हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेड़िया बाछा कम्युनिटी की। और बेड़िया कम्युनिटी की जो महिलाएं प्रोसिक्यूशन में हैं, वो कितना मतलब मेट्रो सिटी के अंदर सबसे ज्यादा उनकी संख्या है जो बाहर जाकर काम करते हैं। जैसा कि COVID-19 में सभी लोगों की स्थिति है, उसी तरह से बेड़िया कम्युनिटी की महिलाएं जो बाहर हैं, उनके साथ साथ वो बाहर हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं बाहर, लेकिन अगर उनके परिवार उन्हीं की वजह से चल रहे हैं या उनकी आर्थिक स्थिति उन्हीं की वजह से है, तो उस परिवार की भी स्थिति उतनी ही गांवों में अलग अलग जगहों पे खराब है। अगर हम बात करते हैं कि इस कम्युनिटी को बाहर से यहाँ लेकर आया जाए, माइग्रेंट लेबर है उसकी तरह अगर उन्हें भी गांव में लेकर आया जाए, तो सवाल उठता है कि वो करेंगी क्या। और अगर वो करें, क्योंकि उनका काम है प्रोसिक्यूशन से जुड़ी हुई है, डांस बार से रिलेटेड है, तो यहाँ गाँव में अगर उनकी स्थितियों को देखा जाए तो वो यहाँ आकर करेंगी क्या। दूसरी बात, 80-70 का जो स्टिग्मा लगा हुआ है, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट का जो स्टिग्मा लगा हुआ है, तो उनके परिवार के लड़कों को काम देगा कौन। दूसरी चीज, अगर वो यहाँ आ भी जाती है तो वो उनके लिए क्या है, ऐसे कोई काम है जिसको वो आगे जाकर कर सकेंगी। यहाँ पे अगर सवाल हम करते हैं तो उनके लिए आज की स्थिति में वो जो मेट्रो सिटी में रह रही है वहां पर, और उनका परिवार जो गांव में उनके लिए इंतजार कर रहा है कि वो कमाएंगी तब उनका घर चलेगा, तो उन पर इस स्थिति में कर्जा भी बहुत हुआ है ये 2-3 महीने के अंदर। अगर हम, और जो स्टिग्मा लगा हुआ है उससे हम देखते हैं कि अगर अलग कम्युनिटी के साथ भी ये है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं कम्युनिटियों के साथ है, वो सभी के साथ है। इस टाइम लॉकडाउन की वजह से सभी जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो छोटा व्यापार करते हैं या बड़ा, उन सबके साथ एक बहुत बड़ी रेस लगने वाली है। बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग है, पढ़ा लिखा नहीं है, लोगों के पास जो स्टिग्मा जो उनका लगा हुआ है वो उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देता, ना ही समाज या जाति के लोग उनको अपने साथ बराबरी का दर्जा देते हैं। तो अगर वो इस स्थिति में कोई काम भी अगर करेंगे तो वो जो रेस लगेगी, क्योंकि इस टाइम पे बेरोजगारी की स्थिति भी सभी वर्गों में आने वाली है, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों से जब काम करके लौट कर अभी जो आ रहे हैं अपने गांव में, तो वहां पे भी बेरोजगारी होने वाली है। तो क्या ये, एक सवाल ये होता है कि क्या इस कम्युनिटी के लड़कियों को या लड़कों को कोई बराबरी का दर्जा देकर वो काम देना चाहेगा, या वो जो काम करेंगे उसको कोई वो प्राथमिकता पर, या उसको प्राथमिकता नहीं बोले क्या, उस काम की भी कोई वैल्यू होगी। और अगर हम सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो उन लड़कियों की जिनके लिए मैं क्या, बहुत सारे लोग मतलब काम कर रहे हैं, और एक संवैधानिक मूल्य भी है कि लड़की की अपनी खुद की सोच इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको अपने लिए आगे करना क्या है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कर्ज की स्थिति हुई, क्योंकि मैंने बात की थी कई जगह अलग अलग एरिया में जो प्रोसिक्यूशन में जुड़ी हुई हमारी साथी महिलाएं हैं, उनसे हमने बात की, तो उनका कहना ये है कि हम करेंगे क्या, इंतजार करेंगे लॉकडाउन खुलने का और तब तक हम कर्ज करके खाएंगे। और उसके बाद उनकी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, ये एक भयानक स्थिति है। और जो सोचने वाली बात है कि वो लड़कियां जो हम ड्रॉप आउट होकर फिर से एजुकेशन की लाइन पर लाने की कोशिश में अभी निरंतर लगे हुए थे, 22 से 23 लड़कियां अभी हमने के बार बार मतलब लड़कियों को जब तक वो 18 की ना हो जाए तब तक, और वो अब उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन के लिए क्या सोचती है, तो उसे एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा और भी ज्यादा अभी आगे जाने वाला है ये, और स्थितियां प्रोसिक्यूशन से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए तो ये लॉकडाउन 1-1.5 साल तक का है, मेरा मानना है, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि ये नॉर्मल जीवन में लाने के लिए या उनका जो काम है उसमें आने के लिए पहली चीज वो खतरों से बहुत ज्यादा है, चाहे वो उनके हेल्थ के इश्यू को लेकर देखिए या किसी और चीज को, हम सोच सकते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे वो चलाएंगे, उसको चलाने के लिए वो इस रिस्क को भी उठाएंगी, और इसके साथ उनकी हेल्थ पर भी बहुत असर आने वाला है। जो ड्रॉप आउट हुई लड़कियां हैं नई, जैसे 16 से 18 के बीच की, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जनरेशन अब इस कम्युनिटी से निकल कर आएगी जो प्रोसिक्यूशन में जाएगी, क्योंकि इस टाइम जो स्थितियां हैं वो कर्ज में बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी पॉलिसीज कम्युनिटी के लिए स्पेशल नहीं की। इनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उसके आधार पे इनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड में भी अगर 7 लोग हैं तो दो दो लोगों का आधार लिंक है, 6 का नहीं है, 5 का नहीं है, तो
किस तरह से गवर्नमेंट उनको जीवन जीने की जगह दे रही है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तीसरी चीज, अगर मैं ये चाहूं कि कोई गवर्नमेंट के लिए बात करता है या प्राइवेट सेक्टर में कोई बात करता है कि इनको ये लघु उद्योग की बात करें या उनके लिए कोई जीवन चलाने के लिए कोई योजना की बात करें, तो अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो चिंता है वो इसलिए है कि जनरेशन एक नई निकल कर आएगी, और मुझे लगता है कि ये फिर से इतिहास दोहराता है ना, 80-71 मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो ऐसा ही दौर होगा जहां से लोग निकल कर आए और उन्होंने अपने इस काम को पेशे के रूप में देखा, जो स्टिग्मा था और उसको उन्होंने इन हालातों में एक्सेप्ट किया और उसके साथ किसी ने सपोर्ट ना किया, और वो ही हालात मुझे लगता है कि लौट कर फिर से आया है एक बार। और एक बहुत बड़ी जनरेशन जिनमें लड़कियां होंगी, जो अपने लिए नए कह सकते हैं कि वो अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकती थी, कोई काम के लिए अपनी नई सोच, और उनके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से, और गवर्नमेंट का जो रवैया है, अगर गवर्नमेंट की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है तो शराब के ठेके चालू करती है, मतलब उसके लिए वो जायज है। लेकिन मैं अभी 3-4 दिन पहले अपने साथियों से बात कर रही थी कि एक ये नई एक व्यवस्था में जोड़ा गया, लॉकडाउन तो था ही, और एक एक नया खतरा कि आपने आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तो आपको ये लीगल लगता है कि शराब के ठेके खोल दिए जाएं, लेकिन उस परिवार से आप जाकर पूछिए जो राशन की लाइन में खड़े होकर वो महिला ले रही है और पुलिस वाले उसको धक्का देकर, तो मतलब आज आप लाइन लगवा रहे हैं ठेके के लिए लेकिन आपने राशन के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की। तो मेरा सवाल है, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्या सभी जगह ये जो आज मेरे यहाँ है वो सभी जगह है? लेकिन एक सवाल हम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि क्या ठेके इतना जितना जरूरी थे उतना क्या राशन नहीं था? जीवन से ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि कितने लोग मरे भुखमरी से, लेकिन क्या आप इंतजार कर रहे थे कि भुखमरी होनी चाहिए थी और लोगों को मरना चाहिए था? तो जो स्थिति सरकार के द्वारा बनाई गई है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है, और उसके साथ कम्युनिटी जिस तरह से अब अपना बिहेव करेगी, क्या उससे लोगों के, मतलब महिलाओं के साथ हरासमेंट के केस नहीं होंगे? इसमें कहां वो महिलाओं और बच्चों को देख रहे हैं कि एक शराबी अब घर की सारी चीजें बेचकर मतलब शराब पिएगा से मान रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। और ये जो 2 दिन से मैं देख रही हूँ मेरे घर के बाहर से शराबियों की लाइन, और वो किस तरह से गोला बनाकर, काश ऐसा उन लोगों के लिए होता जो राशन के लिए अपने परिवारों के साथ इतनी बड़ी धूप में डरी उम्र के कहीं से उनको राशन मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। थैंक यू।